हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप नॉर्थ गोवा जाने का प्लान कर रहे हो नवंबर और दिसंबर में। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये 3 दिन के लिए बना रहा हूँ। अगर आपका 3 डेज का ट्रिप है उसके हिसाब से मैं आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको कितना आपका स्टे रहेगा, कितना आपका रेंट रहेगा, कितना स्कूटी बाइक रेंट जो भी आप करने वाले हो, और गोवा में कहाँ से कहाँ आपको कैसे जाना है। और स्पेशली ये वीडियो है नॉर्थ गोवा के लिए, क्योंकि मैं अभी नॉर्थ गोवा कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये आपके लिए, अगर आप नवंबर दिसंबर में जाने वाले हैं तो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, जो कि आपको आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि जब कोई गोवा जाता है तो बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं, वहाँ से कन्फ्यूज होता है, जैसे कि मैं हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी यही काम हो। वीडियो में कवर करने वाला हूँ गोवा की जर्नी, क्योंकि जैसे कि आप कहीं से भी आ रहे हो, गोवा मुंबई से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, राजस्थान से आ रहे हो, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, मैं इस वीडियो में गया हूँ बैंगलोर टू गोवा। तो स्टेशन से आगे की मैं जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, कि मैंने स्टेशन से नेक्स्ट स्टेप क्या लगेगा, आपको आपको कैसे जाना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आपको अपना गोवा की ट्रिप स्टार्ट। तो ये देख सकते हो, मैं सबसे पहले पहुंचा गोवा रेलवे स्टेशन। ये वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन है, जो कि एंड में पड़ता है, एकदम गोवा के लास्ट जो स्टेशन है। अगर कहीं से भी आप आ रहे हो तो ये आपको लास्ट में पड़ेगा, और वहां से मैं अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ से जो मेन नॉर्थ गोवा के डेस्टिनेशन है बागा बीच, कलंगट बीच, तो मेरा जो पहली डेस्टिनेशन रहेगी वो कलंगट बीच रहेगी, जो कि यहाँ से 35 और प्लस 40 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप यहाँ से टैक्सी लेते हो तो आपको वो भी मतलब एक चार्जेबल है, हाई चार्ज लगेगा। तो मैंने क्या डिसाइड करा, मैं यहाँ से लेने वाला हूँ स्कूटी, और स्कूटी के थ्रू मैं गया कलंगट बीच, जो कि स्कूटी का प्राइस पड़ा मेरे को 350। और डिपेंड करता है कि अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो तो आपको ये चार्ज ऊपर नीचे भी हो सकता है। वीकडे में जा रहे हो थोड़ा कम भी मिल सकता है, और वीकेंड में जा रहे हो तो हाई भी मिल सकता है। इट्स डिपेंड करता है, और आप कैसी बार्गेनिंग करोगे तो वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ कलंगट बीच। अब सेकंड पार्ट आता है कि आपको कहाँ स्टे करना है, होटल कौन सा लेना है, होम स्टे लेना, विलाज लेना, कुछ भी लेना। तो मैं रुका हुआ हूँ इधर एक 1 BHK स्टूडियो रूम बोलते हैं इसको, तो इसका भी मैं आपको एड्रेस और लिंक और सारी डिस्क्रिप्शन, अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। और ये मेरे को पड़ा था 2000 पर डे के हिसाब से, और ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम जा रहे हो, आपको सस्ता भी पड़ सकता है, थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। तो इट्स मतलब ऑल आवर द सिचुएशन की वहाँ पे क्या पीक टाइम है। टाइम है तो वो सिंपल सी बात है कि थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है, बट इट्स 1500 टू 2000 पड़ सकता है आपको, ठीक है, अगर वन स्टूडियो देख रहे हो। और अगर आपको आप फैमिली में जा रहे हो तो आप, मैं सजेस्ट करूँ कि आप विलास देखो, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये विला है और बेस्ट लोकेशन है, यहाँ भी आप स्टे कर सकते हो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जस्ट कमेंट, आई विल रिप्लाई। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा रुकने का सेकेंड थिंग। अब पहली थिंग, जब नॉर्थ गोवा जब फर्स्ट टाइम जाता है आदमी तो क्या सोचता है कि सबसे बेस्ट बेस्ट लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। तो मेरे को, मैं आप भी सबसे पहले गया कलंगट बीच पे, जो कि मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट लोकेशन रही है। एक तो इतना अच्छा, मतलब साफ सफाई के मामले में मेरे को, तो अभी नॉर्थ गोवा में गया तो मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको पार्टी करने के लिए एकदम स्पेशली, ये आप देख सकते हो यहाँ का माहौल एक नंबर है। सारी पार्टी पब्स, सारे जो बीचेस के साइड में सेक्स हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं, एक से एक नंबर वन है, और म्यूजिक एक नंबर है। तो आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो वन नाइट नॉर्थ कलंगट बीच, पूरा दिन से लेकर रात तक। तो फर्स्ट डे हम स्टार्ट करने वाले हैं कलंगट बीच से, और दिन में क्या कवर करना है हमको, कलंगट बीच प्लस बागा बीच, और पूरा दिन में आसपास की मार्केट एक्सप्लोर करनी है। तो आपका पूरा दिन वहां पे कवर हो जाएगा। जैसी नाइट होगी, अपना फ्रेश व्रेश होकर नाइट पार्टी के लिए आप निकलो निकलो आप कहां से, पहले कलंगट का नाइट व्यू देखो, उसके बाद टीटोस लेन जाओ, बागा बीच जाओ। तो जो भी आपको पसंद आए ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कहाँ का माहौल, कैसी पार्टी आप पसंद कर रहे हो, जिस तरीके की पार्टी चाह रहे हो। अगर एकदम हैवी तगड़ी वाली पार्टी चाहिए तो आप जाओ टीटोस लाइन, जो कि पूरी रात खुलता है। और अगर आपको बीच के साइड में पार्टी करनी है तो ये रात को 12 बजे तक खुलता है, 12 से 1 बजे तक मैक्सिमम ये बंद हो जाता है। और टिल मॉर्निंग तक पार्टी करनी तो आप टीटोस लाइन और आपको एक आध और पब मिल जाएंगे, जिसमें आपको सुबह तक भी क्लब पार्टी कर सकते हो सुबह तक, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट डे और नाइट का। तो अब आता है हमारा सेकंड डे। हम डे सेकंड डे कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, पहले जाने वाले हम अगोडा फोर्ट, और एक दो और चीजें हैं जो आसपास कवर करोगे। जैसे आप फोर्ट पे जाओगे तो आसपास के आपको व्यू मिल जाएगा देखने के लिए, आप वो जा सकते हो सेकंड। उसके बाद आप जा सकते हो पर्रा रोड, जो कि एक ऐसी रोड है जहाँ पे सबसे ज्यादा रील्स फोटो सेशन होता है, मतलब एक फेमस रोड है। उसकी साइड में आपको पेड़ अच्छे अच्छे ये नारियल्स के पेड़ मिलेंगे, तो व्यू एक नंबर आने वाला, आप देख सकते हो। उसके बाद सेकंड आप निकल सकते हो आफ्टरनून में ओल्ड गोवा, जो कि पड़ता है पंजिम में।
जहाँ पे आपको मिलने वाली एक से एक अच्छी चर्च, ओल्ड एकदम, जो मतलब स्पेशली आपको जाना चाहिए वहाँ देखने। तो एकदम पूरा दिन वहाँ पे आपका निकल जाएगा। अब जैसे ही आता है सेकेंड डे की नाइट, नाइट में आप कर सकते हो बोट पार्टी, उधर से आते हो उधर ही आपको मिल जाएगी पास में। अगर इधर नहीं आना आपको कलंगट, तो उधर से ही क्रूज ये जो भी आपको पार्टी करनी है आप वहाँ पे आपको स्पेशल ऑफर मिल जाएंगे। और ना मिल रहे हो तो आप जस्ट कमेंट, आई विल शेयर यू सम इन्फॉर्मेशन, आई हैव सम इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट नंबर एंड डिटेल्स एवरीथिंग, सो आई विल शेयर यू, और यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डे कम्प्लीट। अब आते हैं हम थर्ड डे पे। तो थर्ड डे हमारा स्टार्ट होता है, पहले सबसे पहले अगर आप गोवा में फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप स्पोर्ट एक्टिविटी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है तो उसके लिए स्पेशली गोवा से 100 किलोमीटर दूर लेके जाया जाता है। तो उसमें ऐसे मान के चलो अगर स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हो स्कूबा वगैरह, तो आपका फुल डे उसी में जाने वाला है थर्ड डे। अगर आप देखो ये मैं यहाँ पर दो ऑप्शन देता हूँ, अगर आपको स्कूबा डाइविंग प्लस स्पोर्ट्स करना है तो पूरा डे आप उसी में जाने वाले हो। और अगर आपको स्कूबा डाइविंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मल वाटर एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है जो कि आपको नियर बाय कोई से बीच पे मिल जाएगी, तो आप अंजुना बीच जा सकते हो, वैगाटोर बीच जा सकते हो। तो वहाँ पे अपना पूरा दिन एक्सप्लोर करके और नाइट का स्टे कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा 3 दिन का प्लान। अब बात करते हैं बजट का। हमारा स्टे बजट कितना रहा? मेरा एक दिन का रहा 2,000 रुपये, यानी कि 2,000। तो 2,000 के हिसाब से आप लेके चलो 3 दिन का 6,000 टोटल। खाने पीने का डिपेंड करता है आप पे, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, नॉन वेज वेज और ड्रिंक में क्या ले रहे हो। तो ड्रिंक तो जैसे गोवा में सस्ता ही है, तो इजिली यू कैन ड्रिंक एनीथिंग, तो उसमें कोई पंगा नहीं होने वाला। उसके बाद आपको रुकने का हो गया, खाने पीने का हो गया, और ये जो स्पोर्ट एक्टिविटी ये भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बट डिपेंड करता है कभी कभी तुम अगर गलत मस्त फंस जाना वहां पर जाके, स्कैम हर जगह होता है, तो मतलब थोड़ा सोच समझ के बार्गेनिंग करना और एक दोस्त से पता कर लेना कि प्राइस कहाँ पे जहाँ पे अच्छा लगे वो आप अपना ले सकते। उसके बाद अपना 6,000 वो प्लस खाना पीना जोड़ लो, जितना भी आप पे डिपेंड करता है वो आप पे डिपेंड करेगा। प्लस स्पोर्ट एक्टिविटी आपको जो, अगर मैं स्कूबा वाली बता रहा हूँ, आपको 2,500 मैक्सिमम उसमें सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी 2,500 में, ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हो, बैंगलोर का, वो आप पे डिपेंड। और हाँ एक बात, स्कूटी का रेंट कितना पड़ा? 350, यानी कि अगर आप 350 या 400 ले लो, अगर 3 दिन का ले रहे हो तो आपको 1,200 पड़ेगा, प्लस अप्रोक्स मान लो 300 का पेट्रोल, तो मतलब 1,500 में अपना पेट्रोल खत्म हो जाएगा। और खाने से अलग मैं जोड़ के चल रहा हूँ 10,000, और बाकी आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा एक्सप्लोर कर रहे हो और आप क्या क्या यूज कर रहे हो, इट्स अप टू यू। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नई लोकेशन से, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।